कॉमेडियन क्या हमारे देश के देवी देवताओं को क्या वो गालियां देगा। स्टैंड अप दास फिर से लेकर आ गया है बहुत सारी अपडेट कॉमेडियन कम्युनिटी से, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं। मुनार फारूकी ने ट्वीट करके टी राजा सिंह के जो प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो बयान था उस पे रिएक्ट किया है। आपको पता ही होगा कि मुनार फारूकी के शो होने के बाद हैदराबाद में क्या चल रहा है। शो के बाद जैसे ही टी राजा सिंह पुलिस कस्टडी से बाहर आए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर जो कि सुनने लायक भी नहीं था। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14 शादियां की है इस बूढ़े ने, कितनी? 14। एक व्यक्ति ने मेरे राम और मेरी सीता माता को गाली दी। आज मजबूरन मैं भी जो तुम्हारे जो आका है, जो गोल टोपी वालों के आका है, मैं आज उनके ऊपर। तो उसके बाद अलग अलग जगह में लोगों ने प्रोटेस्ट करा कि उनको गिरफ्तार किया जाए। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, वे फिर छूटे, फिर गिरफ्तार हुए। तो ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है वहाँ। तो इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुनावर फारूकी कुछ अपना रिएक्शन दे, कुछ सपोर्ट में बोले प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर। के बारे में इनडायरेक्ट रूप से ट्वीट करके मुनावर ने कुछ रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, महबूबे खुदा शायद उसे माफ भी कर दे, लेकिन खुदा के जलाल से उसे खुदा ही बचाए। ये तो हुई टी राजा सिंह की बात। पर एक नेशनल न्यूज चैनल में एक मुसलमान प्रवक्ता ने कुछ ऐसा कहा मुनावर फारूकी के बारे में, जिसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा, मुनावर फारूकी और उनका शो जो हैदराबाद में करवाया वो भी इतना ही जिम्मेदार है हैदराबाद के इस कंडीशन के जितना टी राजा सिंह है। चीज समझ नहीं आ रही आदित्य, पूरी डिबेट हो रही है, टी राजा पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं। मुनव्वर फारूकी के प्रकरण पर क्यों जिक्र नहीं हो रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने हमारे देश के 100 करोड़ हमारे भाई, जिनसे हमारी मोहब्बत है, अकीदत है, जिनसे हमारा भाईचारा है, कारोबार है, सनातन धर्म के लोग, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है। और क्यों इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि मुनव्वर फारूकी का प्रोग्राम किसने कराया, 1000 पुलिस वालों को वहां तैनात किसने किया। पहले नुपुर शर्मा का जिक्र हो रहा था तो तस्लीम रहमानी का जिक्र नहीं होता था। आज जो है टी राजा का जिक्र होता है तो मुनव्वर फारूकी का जिक्र क्यों नहीं होता? मुनव्वर फारूकी हमारे लिए जो है वो पता नहीं क्या दर्जा रखने लगे, ऐसा नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कॉमेडियन क्या हमारे देश के देवी देवताओं को क्या वो गालियां देगा? टी राजा सिंह से माहौल खराब होने की आशंका थी। मुनव्वर फारूकी के शो से अमन और भाईचारा बढ़ता है। आप लोग इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर जो कि मुनव्वर फारूकी से ही जुड़ी हुई है। मुझे करण वोरा का एक ऐसा वीडियो मिल रहा है जिसमें लोकअप से पहले वे बोलते हैं कि मुनव्वर फारूकी डिजर्व नहीं करता है शो जीतना। पर मुनव्वर जब शो जीत जाते हैं तो वे अपने बयान से पलटी मार देते हैं और ये बोलते हैं कि मुनव्वर ही डिजर्व करता था शो जीतना। आई एम वोटिंग फॉर 3 पीपल, ओके, जेन्युइनली, ओके, ये मेरे फेवरेट्स हैं, ऑलराइट, देयर्स पायल, देयर्स आजमा, मुनव्वर, आई सी हिम इन द फिनाले, आई डोंट सी हिम विन। ओके, बिकॉज रुको जरा, सबर करो, मुनव्वर डिजर्व करता था जितना कुछ नया कुछ आने वाला आएगा, जरूर देखना नेक्स्ट वीक, सो यू मस्ट वॉच इट, एंड यस, ही इज डिजर्विंग, दैट्स व्हाट ही वांट। तो आप लोगों को ये बता दो कि दोनों वीडियो अलग अलग इंटरव्यू का है, केबी ने अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बयान दिए हैं, तो उन्होंने कोई भी पलटी नहीं मारी है। तो फालतू का कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश ना करें। तो अब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टैंड अप कॉमेडियन कल की चिंता नहीं करते वाले रवि गुप्ता के बारे में। रवि गुप्ता का हाल में ही जो स्टॉक में एक वीडियो आया है जिसमें वे बताते हैं कि कैसे जाकिर भाई ने उनकी मदद करी थी उनके स्ट्रगल टाइम में। वे बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वे काफी कंफ्यूजन में थे कि जो बार स्टैंड अप कॉमेडी को एक साथ कैसे किया जाए, तो उस समय उन्होंने जाकिर भाई को मैसेज करा था और जाकिर भाई ने रिप्लाई करके कुछ ऐसा टिप्स दिया उनको जो कि उनके करियर के लिए काफी काम आया। अभी देखो इस वीडियो की छोटी सी क्लिप। मैंने जाकिर भाई को मैसेज किया उस टाइम, तो उनका रिप्लाई भी आ गया कि और भाई क्या हाल है। तो मैंने बोला कि आपका काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी बहुत करता था अपने स्कूल में, अब तो जॉब वॉब के चक्कर में परेशान हो गया। तो बोले फिर से करो। मैंने बोला फिर से कैसे करूँ, जॉब वॉब में पढ़ा हुआ हूँ मैं। बोले नहीं नहीं ओपन माइक करो ना, और रात में होता है। तो मैंने बोला अच्छा, ये ऐसी चीज़ है। फिर मेरे को दिशा एक मिल गई कि ओपन माइक एक चीज होती है। तो यही सेम बात बस्सी ने भी कुछ दिनों पहले जाकिर भाई के बारे में बोला था। इसी चीज से तुम समझ सकते हो कि जाकिर भाई का कितना बड़ा रोल है स्टैंड अप कॉमेडी को इंडिया में फेमस करने में। तो अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है अंजलि अरोड़ा के बारे में। वायरल बिरयानी के एक वीडियो में उन लोगों को अंजलि अरोड़ा ने रिप्लाई करा है जो कि उनका फेक MMS को बहुत ज्यादा वायरल करे। उन्होंने अपना फाइनल रिप्लाई दिया है, क्या बोला उन्होंने आप भी सुनो। हो रहा है उसमें सबको पता है कि आप नहीं हो, आपका आपके नाम से लोग फेम पाना चाहते हैं या फिर आपको जिनसे बराबरी नहीं हो पा रही ना, तो वो बदनामी शुरू कर ही देते हैं आखिर। तो लोगों को करने दो, वट एवर जो करना है उनको करने दो। आई फकिंग डोंट केयर अबाउट एनीवन। ओके, बाय, थैंक यू। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाना मत भूलना। लगातार ऐसे ही कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए।